हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। इंडिया को वर्ल्ड बैंक से $1 बिलियन फंड मिला है टू फाइट विथ कोरोना वायरस पैंडमिक। इस लेक्चर में हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में भी जानेंगे और इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा इस फंड का, वो भी हम पढ़ेंगे। चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। यह जो $1 बिलियन असिस्टेंस है वर्ल्ड बैंक से इंडिया को मिला है, यह हमारी कैपेसिटी को और स्ट्रेंथन करेगा टू फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस पैंडमिक और हमारी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती मिलेगी। यह फ्रेंड्स लार्जेस्ट एवर हेल्थ सेक्टर सपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो इंडिया को दिया गया है। इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ COVID-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयरनेस प्रोजेक्ट चालू किया है टू फाइट विद दिस पेंडेमिक। यह प्रोजेक्ट इंडिया को हेल्प करेगा टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस पेंडेमिक एंड स्ट्रेंथन इट्स पब्लिक हेल्थ प्रिपेयरनेस। इस प्रोजेक्ट के अंदर सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को कवर किया जाएगा, साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड पर्सनस हैं और जो पॉपुलेशन है रिस्क पे, मेडिकल एंड इमरजेंसी पर्सनल, सर्विस प्रोवाइडर और सभी मेडिकल एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को भी अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ ही साथ एनिमल हेल्थ एजेंसी और नेशनल एजेंसीज हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। सिंस गवर्नमेंट ऑलरेडी 1.7 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस कर सकी है फॉर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स, तो जो है $1 बिलियन का फंडिंग है जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हमको रिसीव हो रही है, ये काफ़ी इंडिया को हेल्प करेगी टू लिमिट द कम्युनिटी ट्रांसमिशन। आप सभी को पता होगा कि अभी हमारा जो कोरोना वायरस का पेंडेमिक है वो सेकेंड स्टेज में चल रहा है, तो लोकल स्टेज तक ही सीमित रहे इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये फंडिंग इंडिया के लिए। ओवरऑल जो कंट्री की कैपेसिटी है फ्रेंड्स वो इम्प्रूव होने वाली है। इस पेंडेमिक को बेहतर तरीके से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और इमर्जिंग जो आउटब्रेक है उसको भी रोक सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स जो ट्रांसमिशन हो सकता है ह्यूमन से एनिमल्स तक। आपने सुना भी हुआ कुछ पॉसिबल केसेस अभी चाइना में देखे गए, तो उनको भी रोका जा सकता है इंडिया में। वर्ल्ड बैंक की कुछ हम बेसिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आ सकते हैं। वर्ल्ड बैंक को IMF के साथ बेटन वुड्स ट्यून्स बोला जाता है फ्रेंड्स, और इसको 1944 में बनाया गया था। एम वही था फ्रेंड्स जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड से डैमेज हुआ था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस बैंक को बनाया गया था, और इस बैंक का नाम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसलिए रखा गया। 1946 में इस बैंक ने जो अपना मैंडेट है वो एक्सपेंड करके एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक के रूप में स्थापित किया, इसी वजह से हम तभी इस बैंक को वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। अब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ फंडिंग एंड नॉलेज है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। यह फ्रेंड्स 5 इंस्टीट्यूशंस के ग्रुप को बोला जाता है। इन सभी इंस्टीट्यूशन का कमिटमेंट है फ्रेंड्स टू रिड्यूस पॉवर्टी, इंक्रीज शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 5 इंस्टीट्यूशन को हम एक एक करके देख लेते हैं। IBRD, IDA, IFC, IFC, MIGA एंड ICSID। वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं हम। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना हुआ है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यह लोन्स और क्रेडिट और ग्रांट प्रोवाइड कराता है, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन या IDA फ्रेंड्स सिर्फ लो इनकम कंट्रीज़ को जीरो इंटरेस्ट रेट या लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करता है, तो IDA सिर्फ लो इनकम कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता है और IBRD सभी के लिए लोन्स, क्रेडिट्स और ग्रांट प्रोवाइड करता है। मैंडेट यही है फ्रेंड्स, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए और प्रॉस्पेरिटी को भी बढ़ाया जाए। पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एक टाइमलाइन सेट की गई है, 2030 तक जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है ग्लोबल पॉपुलेशन में उसके शेयर को 3% तक रिड्यूस किया जाए, और 40% जो पुअरेस्ट पीपल हैं एवरी कंट्रीज़ में उनकी इनकम को भी बढ़ाया जाए। अदर 3 ग्रुप्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक जो IBRD और ID है क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करती है, और सारी इंस्टीट्यूशन को मिलके हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का काम है फ्रेंड्स कंपनीज और गवर्नमेंट्स या प्राइवेट कंपनीज और गवर्नमेंट्स को इन्वेस्टमेंट एडवाइस या एसेट मैनेजमेंट के बारे में बताना। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी या MIGA का काम होता है फ्रेंड्स, जैसे कोई पॉलिटिकल रिस्क होती है जैसे कि वार लाइक सिचुएशन, तो लेंडर्स और इन्वेस्टर्स को इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी का काम होता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID का काम होता है फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स और कंट्री के बीच में जो भी इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए इस बॉडी का मैंडेट है।
तो हमने फाइव जो वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशंस या ग्रुप हैं उनके बारे में भी जाना, और जो अभी फंडिंग दी गई है इंडिया को उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हमने देखा। ये था हमारा डिस्कशन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।